विपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ मंच पर विराजित अपने जनप्रिय उम्मीदवार अशोक जी पिंचा और मंच पर विराजित सभी सम्माननीय बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी समाज के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबको मेरा सत सत नमन। सराफ परिवार और राठौड़ परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है, न कि आज का रिश्ता है। मैं एक व्यवसायी हूँ और मैं व्यवसाय करता हूँ। मैंने मेरा जीवन व्यवसाय में समर्पित किया है। अब मैंने ये इच्छा जागृत की है कि क्यों न मैं व्यवसाय में मेरा जीवन समर्पित करने के बाद अब मेरे जीवन को मैं समाज की सेवा में और सदा शहर वासियों और सदा शहर विधानसभा की सेवा में अर्पित कर दूं। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, अपने को अगर राजेंद्र जी राठौड़ को बहुत मजबूत बनाना है और सदा विधानसभा में एक बहुत बुलंद आवाज उठानी है तो 5 तारीख को आप सभी भाई बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि कमल के फूल के ऊपर बटन दबा के और अशोक जी पिंचा को इतने भारी मतों से विजय बनाए कि ये सरदार साहब की जनता और राजस्थान में संदेश पहुंच जाए कि अगर कोई सरदार साहब में नेता है तो अशोक पिंचा है, तो इतने भारी मतों से विजय होके और सरदार साहब विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। तो मेरा आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना को आप अपने दिल से स्वीकार करेंगे और अशोक जी पिंचा को अपना अमूल्य वोट देंगे। आप सभी हाथ ऊपर करके मेरे को समर्थन दें कि आप सब अशोक जी पिंचा को अपना समर्थन देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। और मैं सभी यहाँ उपस्थित जनसमूह को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो तो आप सरदार से राके मेरे को जो भी काम योग्य समझेंगे, मेरे को किसी भी काम का कहेंगे, मैं उस पुरजोर जोश के साथ आप सबका काम करूंगा। आप मेरे को एक बार प्रयोग करके देखें कि मैं आपके काम आता हूं या नहीं आता हूं। आप मेरे को अगर सेवा का मौका देंगे तो मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।